हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल MDM Tech to Vision में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज पटेल। आज का वीडियो का टॉपिक है यहाँ पे जिनर डायोड। जिनर डायोड कहाँ पे यूज कर सकते हो, आज जिनर डायोड कैसे सर्किट में काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जिनर डायोड है और ये हमारा PN जंक्शन डायोड है। ये हमारा, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, इसका सिंबल क्या है देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले मैं आपको यहाँ पे दो डायोड का सिंबल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये PN जंक्शन डायोड है, ये IN करके यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये हमारा एक डायोड है, यहाँ पे ये डायोड हमारा है जिनर डायोड है। तो जिनर डायोड को आप कैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो टर्मिनल है, यहाँ पे भी दो टर्मिनल होता है टर्मिनल डायोड का। ये जिनर डायोड है, जिनर आपको जेड से यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है और यहाँ पे डायोड को डी से इंडिकेट किया जाता है। इसका ये हमारा एनोड टर्मिनल है, ये हमारा कैथोड टर्मिनल है। इसमें भी ये हमारा एनोड टर्मिनल है, ये हमारा कैथोड टर्मिनल है। और आप सर्किट में आप इसको भी यहाँ पे दूसरी तरह से बताता हूँ। ये डायोड PN जंक्शन डायोड और ये हमारा जिनर डायोड। जैसे ये PN जंक्शन डायोड है, यहाँ से ब्लैक वाला जो सिल्वर पट्टी है देख सकते हो, ये हमारी सिल्वर पट्टी है। जैसे सिल्वर पट्टी में देख सकते हो, सिल्वर पट्टी यहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ। आपको फिजिकली दिखने में ऐसा लगता है ये हमारा जिनर डायोड है। तो जिनर डायोड को यहाँ पे ऐसी ब्लैक वाली भी पट्टी यहाँ पे होती है, यहाँ पे सिल्वर वाली। ये हमारा कैथोड टर्मिनल है, ये हमारा एनोड टर्मिनल है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड टर्मिनल है। इसी तरह आप इसको इंडिकेट किया जाता है। दोनों ही डायोड है तो दोनों में डिफरेंट क्या है वो देखेंगे। ये हमारा फॉरवर्ड बायस काम करता है, ये हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। ये डायोड फॉरवर्ड बायस, ये हमारा रिवर्स बायस है। जब हम इसको सर्किट में पहले ये डायोड का यूज़ करते हैं, तो ये डायोड सर्किट में हमारे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये डायोड हमारा है। तो ये डायोड में से PN जंक्शन डायोड है, इसको IN करके यहाँ पे लिखा जाता है। IN ये डायोड IN4007 है PN जंक्शन है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे सप्लाई देते हो आप, तो सर्किट में सप्लाई इस तरह यहाँ पे इस वर्किंग करता है। इस तरह से आप सप्लाई दे सकते हो। ये रेक्टिफायर में यूज़ हो सकता है, रेक्टिफायर में ये डायोड यूज़ करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। जैसे इसको इस टाइप से यहाँ पे डीसी सप्लाई दे, इसको इधर से डीसी सप्लाई आप दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से जो कैथोड से आप सप्लाई भी नहीं दे सकते, एनोड साइड से आप सप्लाई दे सकते हो। तो कभी आप यहाँ पर ये डायोड बैटरी में लगाए हुआ होता है, तो यहाँ पर जब बैटरी चार्ज होती है तो इसी तरह आप वोल्टेज जाते, बैटरी चार्ज हो गई तो यहाँ पर वोल्टेज इधर तक नहीं जाए, क्योंकि ये रिवर्स बायस काम नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायस काम करेगा। तो सप्लाई इधर से नहीं जाएगा, सप्लाई इधर जो बैटरी जब प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल जो होगा, तो यहाँ से जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो यहाँ पे इस तरह सप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इनपुट यहाँ पे डीसी वोल्टेज जाएगा, एसी वोल्टेज, यहाँ पे डीसी जो बैटरी होगी, बैटरी यहाँ से इस तरह क्यों नहीं जाएगी, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस काम करता है। इसलिए बैटरी, सभी बैटरी में आप देख सकते हो, बैटरी में IN4007 डायोड लगाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे IN4007 डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ये सभी पावर सप्लाई में, रेक्टिफायर में ये डायोड यूज होता है। तो आपको पता चले कि यहाँ पे IN4007 का काम क्या है। और देखेंगे हमारे मेन टॉपिक पे, यहाँ पे जिनर डायोड। तो जिनर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता, ये हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। तो रिवर्स बायस में ये डायोड हमारा काम करता है। तो सर्किट में एक ड्रॉ करता हूँ, तो सर्किट पर देख लीजिए। पहले आप यहाँ से प्लस सप्लाई दिया और यहाँ पे माइनस सप्लाई दिया, ये दो टर्मिनल प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस यहाँ पे लोड के लिए छोटा सा एक रजिस्टर भी लगा देता हूँ। ये रजिस्टर मैंने लिया है सपोज के 1K का लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक जिनर डायोड में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हमारा जिनर डायोड है। और यहाँ पे हम आउटपुट ले सकते हो, सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट आप दे सकते हो, 0 वोल्ट से 12 वोल्ट आप दे सकते हो। तो 12 वोल्ट जब डीसी आप देते हो यहाँ से, तभी डीसी वोल्टेज आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जिनर कितना वोल्ट का हुआ, यहाँ पे 5 वोल्ट का मैंने लिया है। तो आउटपुट को आपको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा। आप इनपुट यहाँ पे 12 वोल्ट 12 वोल्ट दे रहे हो, फिर भी यहाँ पे ये 5 वोल्ट दे रहा है। ये यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर के लिए ये डायोड का यूज होता है, जिनर डायोड का। और यहाँ पे ये डायोड को यहाँ पे डीसी करने के लिए यहाँ पे रेक्टिफायर में यूज होता है। तो यहाँ पे डीसी वोल्ट को आप वोल्टेज रेगुलेटर में ये जिनर डायोड यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसमें ये हमारा कैथोड टर्मिनल है, ये हमारा एनोड टर्मिनल है। यहाँ पे प्लस सप्लाई यहाँ पे देख सकते हो, प्लस यहाँ पे इसको नेगेटिव में लगता है सप्लाई में। यहाँ पे रजिस्टर थ्रू यहाँ पे प्लस टर्मिनल, यहाँ पे कैथोड में लगेगा टर्मिनल। जैसे आपको यहाँ से 12 वोल्ट जब देते हो, तभी क्या होता है, यहाँ से इनपुट जब 12 वोल्ट आपने यहाँ से दिया, यहाँ तक 12 वोल्ट आ गया। इधर ये डायोड का काम क्या है, ये डायोड का वही काम है जिसके यहाँ पे
12 वोल्ट में से यहाँ पे 5 वोल्ट इधर आएगा है, और दूसरा जो बचा वोल्टेज यहाँ पे इसको रिवर्स कर देगा, क्योंकि ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। जैसे 12 वोल्ट में 5 वोल्ट गया, यहाँ पे 7 वोल्ट यहाँ पे रिवर्स कर देता है, तो रिवर्स करने से आउटपुट को आपको 5 वोल्ट देता है। कि ये रिवर्स बायस का जितना वोल्ट का आप जनरल डायोड यहाँ पे सर्किट में आप यूज़ कर रहे हो इतना वोल्ट यहाँ पे आउटपुट करेगा इधर से, और जो बच्चा यहाँ से इसको ग्राउंड करके यहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज पे रिवर्स कर देगा। जैसे यहाँ पे माइनस टर्मिनल मैंने लिया हुआ है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ से इनपुट में से, इससे इसका जो 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट जो रजिस्टर में जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। इसीलिए ये रिवर्स बायस में काम करता है, इसलिए हम इसको रिवर्स में काम करने से इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसको सर्किट में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चार्जर होता है, जो चार्जर में यहाँ पे 12 वोल्ट होता है, जो चार्जर आप 5 वोल्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे छोटी सी ये मेरी सर्किट जो बनाई हुई है, सर्किट का यूज करके आप 5 वोल्ट का चार्जर बना सकते हो। इसमें छोटा एक जिनर डायोड आप लगा के ये काम कर सकते हो। तो चार्जर का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हो। जैसे मैंने 12 वोल्ट चार्जर को यहाँ पे 5 वोल्ट का चार्जर मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ एक कंपोनेंट जिनर डायोड की वजह से। तो जिनर डायोड की वजह से ये कंपोनेंट कर, इसका प्रैक्टिकली वीडियो हम देखेंगे कि ये रिवर्स बायस काम करता है। इसकी छोटी सी सर्किट में बनाऊंगा, इनपुट ज़्यादा लूंगा, आउटपुट 5 वोल्ट मिले वही हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने वोल्टेज पहले ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे ब्रेडबोर्ड पे एक पावर सप्लाई, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे इसको वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे 20 रेंज में मल्टीमीटर को डीसी में रख दिया हूँ, इसका वोल्टेज पहले टेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हो कितना वोल्टेज शो कर रहा है, 13 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। ये 12 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 12 वोल्ट मैंने इनपुट दिया हुआ है। और सर्किट में हम लगाएंगे रजिस्टर, यहाँ पे 1.5 वोल्ट का एक रजिस्टर लिया हुआ है, और यहाँ पे एक जिनर डायोड, जिनर डायोड हमारा 5.1 का हमारे पास जिनर था, इसलिए मैं यहाँ पे 5.1 का जिनर डायोड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सर्किट के हिसाब से मैं आपको टेस्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल पे एक छोटा सा रजिस्टर लगाना है, तो देख सकते हो ये हमारा प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल पे हम यूज करेंगे पहले हम रजिस्टर। तो ये इस टर्मिनल पर मैं यहाँ पे रजिस्टर लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे रजिस्टर मैंने लगा दिया, प्लस टर्मिनल पे रजिस्टर लगा दिया हूँ, और नेगेटिव टर्मिनल पे मैंने बताया था, जैसे नेगेटिव टर्मिनल पे आपको यहाँ पे डायोड लगाना है, जिनर डायोड, जिनर डायोड को यहाँ पे प्लस टर्मिनल के मदद से यहाँ पे एनोड टर्मिनल, ये हमारा एनोड टर्मिनल होगा, ये हमारा एनोड टर्मिनल होगा, तो ये इसको मैं एनोड टर्मिनल में यूज करता हूँ। तो ये हमारा एनोड टर्मिनल है, इसको मैं पावर सप्लाई के यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल इसको मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस टर्मिनल पे मैं, ये प्लस टर्मिनल हमारा यहाँ पे 1K का रजिस्टर, तो यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल है, तो 1K का यहाँ पे मैं रजिस्टर लगा देता हूँ। 1K रजिस्टर लगा दिया प्लस टर्मिनल पे, ये वायर देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, और नेगेटिव टर्मिनल आपको जिनर डायोड का प्लस टर्मिनल, तो जिनर डायोड का यहाँ पे एनोड टर्मिनल जो प्लस टर्मिनल लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल आप लगाना, तो नेगेटिव टर्मिनल आपका लगा रजिस्टर का इस साइड से। तो यहाँ पे मैं इस रजिस्टर को यहाँ पे ट्विस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर ट्विस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस जिनर डायोड के अक्रॉस में हम वोल्टेज मेजर करेंगे। ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, रजिस्टर वाला हमारा प्लस टर्मिनल है, ये हमारा माइनस टर्मिनल, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको मैं रजिस्टर मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, ये हमारा प्लस टर्मिनल में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस टर्मिनल है मल्टीमीटर का, यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट मैंने ज़्यादा वोल्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5.2 वोल्ट यहाँ पे लोड पे यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा। मैं आपको इनपुट भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं नेगेटिव टर्मिनल में लगा देता हूँ पहले मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो केबल हमारे यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है, देख सकते हो यहाँ पे हमें नेगेटिव टर्मिनल मैंने लगा दिया, और पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको यहाँ पे देख इनपुट यहाँ पे कितना हो रहा है, देख सकते हो 12.15 वोल्ट यहाँ पे इनपुट है, 12 वोल्ट इनपुट दिया हुआ है। और यहाँ पे जिनर डायोड के अक्रॉस में यहाँ पे जो वोल्टेज शो कर रहा है वो देख सकते हो 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट है जिनर डायोड, 7 वोल्ट क्या करता है ग्राउंड कर देता है, रिवर्स कर देता है, 5 वोल्ट हमारा आउटपुट देता है। इसी तरह आप सर्किट बना सकते हो।
आपको यहाँ पे जैसे 12 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल रहा है और आपको जो भी सेंसर आप यूज़ कर रहे हो इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे जिनर डायोड यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों 5.1, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट अलग अलग टाइप के यहाँ पे जिनर डायोड अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, तो एसी सर्किट बना के आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे छोटी सी सर्किट मैंने बनाई हुई है, छोटी सर्किट बना के आप यूज भी कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो बनाया है। दोस्तों इस वीडियो आप यूज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए, जो टेक्नीशियन लोग हैं टेक्नीशियन भाई है इसको ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सके इसी उम्मीद रखता हूँ मैं। तो मेरा छोटा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले जो बेल आइकॉन होता है बेल आइकॉन पर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, किसी ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।